जिंदा दिली और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत यूं दुनिया को छोड़ जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी खुदकुशी की खबर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत बॉलीवुड में भी काफी नाम कमा रहे थे। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसी चाहत होती है जो पूरी नहीं हो पाती। सुशांत की भी दिल्ली में एक इच्छा अधूरी रह गई। दरअसल साल 2016 में वो अपनी फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के प्रमोशन के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ दिल्ली गए थे। इस दौरान वो एलुमिनाई मीट के लिए अशोक विहार स्थित कुलाची हंसराज स्कूल गए थे, जहां उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो स्कूल की लैब को देखना चाहते हैं। वो अपनी यादें ताजा करने के लिए स्कूल का कोना कोना देखना चाहते हैं। मगर उस समय कॉलेज की लैब बंद होने की वजह से वो उसे देख ना सके और उनकी तमन्ना अधूरी रह गई। बता दें कि सुशांत ने अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई कुलाची हंसराज स्कूल से ही पूरी की थी। फिल्म प्रमोशन के दौरान वो पूरे स्कूल में घूमे और बच्चों से बातचीत भी की थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का दिल्ली से गहरा रिश्ता रहा है। वो बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली आए और यहाँ पर अभिनय के गुण सीखे। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित फ्लैट में आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर उनके नौकर ने पुलिस को दी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस अभी भी इसकी जांच में जुटी हुई है। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें आत्महत्या की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दम घुटने की वजह से अभिनेता की मौत हुई। अब उनके ऑर्गन्स को जेजे अस्पताल भेजे गए, जहां इस बात की जांच होगी कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया। बॉलीवुड ने एक चमकता सितारा खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।